हेलो दोस्तों, एक शहर में दो परम मित्र थे, सत्तू और जत्तू। दोनों का ही प्रेम बहुत अधिक था और दोनों ने ही स्कूल और कॉलेज साथ में पास किया था और दोनों ने ही एक कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए गए और दोनों का ही सिलेक्शन उस कंपनी में किया गया। एक वर्ष के पश्चात में दोनों में से किसी एक को कंपनी की ओर से प्रमोशन दिया जाना था काम को देखते हुए। जिस बारे उनकी आपस में बात होती रहती थी कि भाई मैं ज़्यादा काम करता हूँ इसलिए मुझे प्रमोशन दिया जाना चाहिए, दूसरा कहता नहीं मैं ज़्यादा काम करता हूँ इसलिए मुझे प्रमोशन दिया जाना चाहिए। अगले ही दिन कंपनी का मालिक सत्तू को अपने पास बुलाता है और उसे बताता है कि कंपनी आपके कार्य से, आपकी मेहनत से, आपकी ईमानदारी से बहुत खुश है, जिसके कारण कंपनी ने निर्णय लिया है कि आपको प्रमोशन दिया जाएगा। यह सुनकर सत्तू बहुत खुश होता है और वो बाहर आके सभी मित्रों को बताता है, जिसमें जत्तू को भी बताता है कि मुझे प्रमोशन मिला है, और जिससे जत्तू थोड़ा नाराज़ होता है पर सत्तू उसे कहता है कि देख भाई, इस बार आप मुझे प्रमोशन मिल गया, अगली बार आपको प्रमोशन मिल जाएगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि आप भी मेरे बराबर की मेहनत करते हो, कोई बात नहीं, इस बार मुझे प्रमोशन मिला, अगले साल आपको प्रमोशन मिल जाएगा। लेकिन जत्तू उसके बात से सहमत नहीं होता और वो कंपनी के मालिक से मिलने के लिए चला जाता है और वो मन में यह सोचता है कि जब मेरी मेहनत की यहाँ कदर ही नहीं है तो मैं यहाँ नौकरी क्यों करूँ, मैं कहीं और नौकरी कर लूँगा। और वो मालिक के पास जाता है और कहता है, सर मेरा हिसाब कर दीजिए, मैं आपके यहाँ नौकरी नहीं कर सकता। जब मालिक यह बात सुनता है तो वह पूछता है, जत्तू क्या बात होगी भैया, तू नौकरी क्यों नहीं करना चाहता? तो जत्तू कहता है कि सर मैं भी सत्तू की तरह मेहनत करता हूँ, सत्तू की तरह ईमानदार हूँ, लेकिन मुझे आपने प्रमोशन नहीं दिया, उसे प्रमोशन दे दिया। कंपनी का मालिक कहता है, जत्तू सुन, तू मेहनती है मैं मानता हूँ, लेकिन तू उतनी मेहनत नहीं करता जितनी तुझे करनी चाहिए। यह सुनकर जत्तू और गुस्सा होता है और वह कहता है, सर कोई बात नहीं, आप मुझे मेरा हिसाब कर दीजिए, मेरा वेतन दे दीजिए और मैं यहाँ से चला जाऊँगा, मैं यहाँ आपके कार्यालय में कार्य नहीं करना चाहता। कंपनी का मालिक यह सुन के उसे कहता है, चलो ठीक है, मैं आपको प्रमोशन भी दूंगा और सत्तू से ज़्यादा सैलरी भी दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको एक कार्य करना पड़ेगा। जत्तू कहता है, आप जो कार्य कहेंगे मैं उसे बड़ी ईमानदारी से पूरा करूँगा। तो कंपनी का मालिक कहता है, ठीक है जत्तू, आप मार्केट जाइए और जाके देखिए कि मार्केट में कितने ठेले लगे हुए हैं सेब के, केवल सेब के कितने ठेले लगे हुए हैं। यह सुनकर जत्तू कहता है, ठीक है सर, मैं अभी पता करके आता हूँ। जत्तू वापस आकर मालिक को बताता है कि सर मैंने पूरे मार्केट में पता कर लिया है, एक ही ठेला है सेब का। यह सुनकर मालिक जत्तू को कहता है, ठीक है पता करके आइए कि सेब का क्या भाव है। जत्तू मार्केट फिर से जाता है और पता करके आता है कि सेब का 50 रुपये किलो का भाव है। यह सुनकर मालिक दोबारा से जत्तू को कहता है, ठीक है दोबारा से मार्केट जाइए और पता करके आइए कि मार्केट में टोटल सेब कितने हैं। यह सुनकर जत्तू फिर से मार्केट जाता है और मालिक को आगे बताता है कि मार्केट में टोटल 100 किलो सेब हैं। यह सुनकर कंपनी का मालिक जत्तू को कहता है कि मैं यही सवाल सत्तू से करूंगा, अब आप देखना। सत्तू को बुलाया जाता है और सत्तू को कहा जाता है कि भैया आप यह बताइए कि मार्केट में कितने ठेले सेवों के लगे हुए हैं। सत्तू मार्केट जाता है और थोड़ी देर में वापस आ जाता है और वह मालिक को बताता है कि सर मार्केट में एक ही ठेला लगा हुआ है सेवों का और 50 रुपये किलो के हिसाब से सेव हैं, उसके पास टोटल 100 किलो सेव हैं, अगर हम सारे के सारे सेव खरीदते हैं तो हमें 40 रुपये के हिसाब से पड़ेंगे और इसमें हमें 10 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा और 50 रुपये का हम इसको इजीली बेच सकते हैं, और अगर हमें इसे बड़ी सब्जी मंडी से खरीदते हैं तो हमें ये 35 रुपये का मिल सकता है, वह हमें सुबह सुबह 4 बजे से 7 बजे
तक मार्केट में सब बड़ी सब्जी मंडी में जाना पड़ेगा और हमें 35 रुपये के हिसाब से मिल जाएगा, इस हिसाब से हमें 15 रुपये का फ़ायदा मिल जाएगा। यह सुनकर जत्तू को समझ में आ जाता है कि यह मुझसे सुपीरियर है और इसलिए वह तुरंत काम पे लग जाता है और वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली कृपया हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं और कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।